वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. ये डूब मरने का मकान, सही बात है। मजाक से हटकर, मजाक एक अलग, जो मजाक अलग है उससे हटकर, मजाक एक अलग हम करते हैं। अगर ये हैं। पाकिस्तानी ऑडियंस बैठकर कर रही होती समझ आती थी कि वो ऑडियंस है, वो किसी को भी सपोर्ट करे। कसम से पहले मैं टाइटल समझ पढ़ के मैं समझा कि कोई मतलब हमारे लोग जो है ऑडियंस सपोर्ट कर रहे थे, इधर खिलाड़ी गए हुए यार। फिर मेन बात यह है कि दुनिया की किसी स्पोर्ट्स में भी चले जाओ, कोई भी टीम इसी तरह आकर, एक टीम से हारी हुई और आकर उसको सपोर्ट, उसके झंडे लेकर नहीं बैठते कभी भी। झंडे लेकर ये स्पोर्ट्स झंडे, मैं कहता हूँ बच्चे इस तरह नहीं बिठा दिए जाते। इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड था हॉकी में, हमने अपनी हॉकी का बेड़ा गरक किया, हमने हॉकी को बिल्कुल तबाह कर दिया, हमने क्रिकेट का बेड़ा गरक करके रख दिया। भी लोगों को ढेरों बधाइयां शुभकामनाएं, क्योंकि भारतीय टीम ने चीन को हराकर एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीत ली है, और इसी के साथ भारत की हॉकी टीम सबसे ज्यादा एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीतने वाली टीम भी बन चुकी है इतिहास में। भारत से ज्यादा पूरी एशिया में किसी ने भी एशियन चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीती, और ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि भारत ने तमाम अपने दुश्मनों को हराकर यह खिताब हासिल किया है। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, या फिर बाकी एशियाई देश, सबको पटखनी देकर भारत की हॉकी टीम ने यह इतिहास रचा है। लेकिन इसी के साथ एक और मजेदार खबर आई है। पहले आप ये फोटो देखिए, ये पाकिस्तान की हॉकी टीम है जो कि आज भारत चीन का जो फाइनल हो रहा था ना, उसे देखने पहुंची थी, और इनके हाथ में क्या है जरा ध्यान से देखिए, ये है चीन का झंडा। यानी कि ये लोग चीन का झंडा लेकर पहुंचे थे चीन की टीम को समर्थन देने के लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि चीन की टीम आज जो भारत के सामने फाइनल में आई थी ना, वो पाकिस्तान की बदौलत ही आई थी, क्योंकि पाकिस्तान की टीम चीन से हार गई थी, जिसकी बदौलत चीन फाइनल में प्रोग्रेस कर गया। यानी कि जिस टीम से आप बुरी तरीके से हारे, उसी टीम का समर्थन करना पड़ गया, वो भी झंडे के साथ। और जरा आप इनके चेहरे तो देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने जबरदस्ती इनके हाथ में चीन का झंडा थमाया है और जबरदस्ती इनसे समर्थन करवा रहे हैं चीन की टीम का। देखिए, ये कोई घटना नहीं बल्कि दर्पण है पाकिस्तानियों के लिए कि 1947 में दो देश आजाद हुए, एक देश की टीम आज विजेता बन चुकी है फाइनल में, दूसरी टीम अपने मालिकों का समर्थन करने पहुंची है, क्योंकि चीन लिटरली इनका मालिक ही बन चुका है और ये चीन के गुलाम, इसीलिए अपने मालिक का साथ देने के लिए इन स्टेडियम में जाना पड़ा। लेकिन मानिए, इंटरनेट पर आज पाकिस्तान मजाक बना हुआ है, दुनिया भर में इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। जो लोग हॉकी जानते भी नहीं, बस इस कहानी को देख कर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। व्हाट अ सैड स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, पश्चिमी देशों के लोग यही लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के बारे में। लेकिन देखिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मेहनत की कमाई और हराम की खाई में यही अंतर होता है। 1947 में आजादी जब मिली तो वो भारत को बहुत ही कड़ी मेहनत से मिली थी, हमारे पुरखों ने अपना लिटरली खून बहाया था तब हमें आजादी मिली, इसीलिए हमें इसकी कीमत पता है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को बैठे बिठाए अपना देश मिला, एक छोटा सा दंगा इन्होंने भारत में करवाया, उसके बाद इन्हें इनकी अलग जमीन मिली, इसीलिए इन्हें वैल्यू नहीं पता इसकी कि ये कितनी मेहनत से वापस ली गई है। इसीलिए अपनी ये जमीन, अपनी ये आजादी, ये अब चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं और चीन को अपना लिटरली मालिक बना चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सांत्वना देते हुए बस मैं यही कहूंगा कि मालिक बदलते हैं लेकिन बाप नहीं। पहले आपके मालिक थे डूब मरने का, सही बात। मजाक से हटकर, मजाक एक अलग, जो मजाक अलग है उससे हटकर, मजाक एक अलग हम करते। अगर ये पाकिस्तानी ऑडियंस बैठकर कर रही होती समझ आती थी, वो ऑडियंस है, वो किसी को भी सपोर्ट कर। कसम से पहले मैं टाइटल समझ पढ़ के मैं समझा कि कोई मतलब हमारे लोग जो है ऑडियंस सपोर्ट कर रहे थे, इधर खिलाड़ी गए हैं यार। फिर मेन बात यह है कि दुनिया की किसी स्पोर्ट्स में भी चले जाओ, कोई भी टीम इसी तरह आकर, एक टीम से हारी हुई और आकर
उसको सपोर्ट उसके झंडे लेकर नहीं बैठते कभी भी झंडे लेकर। ये स्पोर्ट्स झंडे मैं कहता हूँ, बच्चे इस तरह नहीं बिठा दिए जाते। इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड था हॉकी में, हमने अपनी हॉकी का बेड़ा गर्क किया, हमने हॉकी को बिल्कुल तबाह कर दिया, हमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और हम जो है ना अपना मजाक पूरी दुनिया में हम खुद बनाते हैं। क्या जरूरत थी इन लोगों को उधर जाकर बैठने की यार? मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को सपोर्ट करना था तो अगर जाकर फिर इंडिया को कर लेते, पता भी चलता यार। हाँ चलो ठीक है यार, इंडिया को कर लेते वो अच्छा था यार। तुम किसको सपोर्ट करते हो? इनको जबरदस्ती बिठाया गया कि जाओ भाई चीन हमारा आयरन ब्रदर है, उसको सपोर्ट करो, चीन जीत जाएगा भारत से, हम लोग खुशियां मना लेंगे ख्वाबों में। लेकिन उनको नहीं पता वो टीम बाप टीम है भारत की। वो फिर से अपनी जो पास्ट में ग्लोरी इंडिया खो चुका था हॉकी से, वो ग्लोरी वापस भारत के पास आ गई। यार तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहो यार, कुछ भी कहो यार, कभी भी कोई ऐसी टीम दुनिया की टीम मुझे बता दो जो इस तरह किसने किया। हम करते हैं पश्चिमी देश जिसको हॉकी को नहीं पता, वो भी मजाक उड़ा रहा है। हंसने की बात है ना यार, ये इस तरह कौन करता है यार? ये जो मजाक हम अपना खुद बनाते हैं, डूब मरने का मजाक से हटकर। मजाक एक अलग, जो मजाक अलग है उससे मजाक एक अलग हम करते। अगर ये पाकिस्तानी ऑडियंस बैठकर कर रही होती समझ आती थी। वो ऑडियंस है वो किसी को भी सपोर्ट करे। कसम से पहले मैं टाइटल समझ पढ़ के मैं समझा कि कोई मतलब हमारे लोग जो है ऑडियंस सपोर्ट कर रहे थे, इधर खिलाड़ी गए हैं यार। फिर मेन बात यह है कि दुनिया की किसी स्पोर्ट्स में भी चले जाओ, कोई भी टीम इसी तरह आकर एक टीम से हारी हुई और आकर उसको सपोर्ट उसके झंडे लेकर नहीं बैठते कभी भी झंडे लेकर। ये स्पोर्ट्स झंडे मैं कहता हूँ बच्चे इस तरह नहीं बिठा दिए जाते। इतना अच्छा हमारा रिकॉर्ड था हॉकी में, हमने अपनी हॉकी का बेड़ा गर्क किया, हमने हॉकी को बिल्कुल तबाह कर दिया, हमने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया और हम जो है ना अपना मजाक पूरी दुनिया में हम खुद बनाते हैं। क्या जरूरत थी इन लोगों को उधर जाकर बैठने की यार? मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी को सपोर्ट करना था तो अगर जाकर फिर इंडिया को कर लेते, पता भी चलता यार। हाँ चलो ठीक है यार, इंडिया को कर लेते वो अच्छा था यार। तुम किसको सपोर्ट करते हो? इनको जबरदस्ती बिठाया गया कि जाओ भाई चीन हमारा आयरन ब्रदर है, उसको सपोर्ट करो, चीन जीत जाएगा भारत से, हम लोग खुशियां मना लेंगे ख्वाबों में। लेकिन उनको नहीं पता वो टीम बाप टीम है भारत की। वो फिर से अपनी जो पास्ट में ग्लोरी इंडिया खो चुका था हॉकी से, वो ग्लोरी वापस भारत के पास आ गई। यार तुम कुछ भी कहो, कुछ भी कहो यार, कुछ भी कहो यार, कभी भी कोई ऐसी टीम दुनिया की टीम मुझे बता दो जो इस तरह किसने किया। हम करते हैं पश्चिमी देश जिसको हॉकी को नहीं पता था, वो भी मजाक। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।